कार्लाई में आपका स्वागत है। मैं दीप सिंह, आइए चलते हैं खास खबर की ओर। प्रॉपर्टी डीलर को गोली मारने के मामले को लेकर पुलिस ने किया खुलासा, आरोपियों को किया गिरफ्तार। प्राप्त जानकारी के अनुसार SPCT ने जानकारी देते हुए बताया कि 21 जुलाई 2024 की रात मिशन कंपाउंड निवासी श्याम यादव घर के बाहर खड़े हुए थे, तभी अज्ञात बाइक सवारों ने उन्हें जान से मारने की नीयत से गोली मार दी थी। SSP राजेश एस ने इस प्रकरण को गंभीरता से लेकर कार्रवाई करते हुए बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया। वहीं पुलिस टीम ने इनके कब्जे से तमंचा, कारतूस और घटना में प्रयुक्त बाइक भी बरामद की है। वहीं पुलिस ने चारों के खिलाफ मामला दर्ज कर उन्हें न्यायालय में पेश किया है, जहाँ से उन्हें जेल भेज दिया गया है। गोली मारी गई थी, आज आरोपी पकड़े गए हैं, क्या है पूरा मामला? दिनांक 21/7/2024 को थाना क्षेत्र सीपरी बाजार के मिशन कंपाउंड में समय करीब 11:30 बजे रात श्याम जी यादव को दो अज्ञात बदमाशों ने गोली मार दी थी। इसके संबंध में उनके भाई चंद्रपाल यादव की तहरीर पर BNS की उचित धाराओं में थाना सीपरी बाजार पर अभियोग पंजीकृत कर लिया गया था। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा इस केस को वर्कआउट करने तथा अपराधियों की धर पकड़ हेतु 5 टीमों का गठन किया गया था। ये टीमों के द्वारा लगातार मेहनत करके CCTV फुटेज के माध्यम से तथा सर्विलांस के माध्यम से दो अपराधी जिन्होंने गोली मारी थी उसको चिन्हित कर लिया गया था। आज मुखबिर की सूचना थी कि ये ग्वालियर रोड की तरफ से निकलने वाले हैं, इस पर SWAT टीम प्रभारी तथा थानाध्यक्ष सिपरी की टीम के द्वारा चेकिंग की जा रही थी। इसी बीच जब ये दोनों अपराधी इधर से निकले तो इनको रुकने का अलर्ट दिया गया, ये रुके नहीं और ये श्मशान की तरफ भागे, जहाँ पे इनकी घेराबंदी की गई। अपने को घिरता देख पुलिस पे जान मारने की नीयत से इन्होंने फायर कर दिया, जिसमें जवाबी फायरिंग में बलदेव कुशवाहा घायल हुआ और इसको कब्जे में लेकर के इससे पूछताछ की गई। तो ये दूसरा इसका जो साथी है सचिन रावत, उसको भी मौके से गिरफ्तार किया गया। इन दोनों से पूछताछ के बाद दो नाम और आए जो इस पूरे घटना का प्लानिंग जिन लोगों ने की थी, एक उसमें अरविंद कुशवाहा है और सुनील कुशवाहा है। इनसे पूछताछ करने के बाद इन दोनों को भी गिरफ्तारी की गई है और सभी के विरुद्ध उचित धाराओं में अभियोग पंजीकृत करते हुए सभी को जेल भेजा जा रहा है। क्या वजह थी, क्यों मारी गई? ये श्याम जी यादव तथा अरविंद कुशवाहा के बीच में 80 लाख रुपए के लेन देन का विवाद था और इसी विवाद को ध्यान में रखते हुए और 80 लाख रुपया अरविंद कुशवाहा के द्वारा श्याम जी यादव को न देना पड़े, इसी के लिए ये बलदेव कुशवाहा तथा सचिन रावत शूटर को इन्होंने सुपारी दी थी 1 लाख रुपए में, इसी पैसे को न देने पड़े इस वजह से ये पूरी प्लानिंग की गई थी कि श्याम जी यादव का मर्डर करा दिया जाए। टीम को भी SSP? हाँ बिल्कुल, ये पूरी टीम को वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा 25,000 रुपये का इनाम घोषित किया।